ઇન્ડિયન ઘરે આપડા આવશ્યક મટાડ દો બધા. जब भी नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है. घर पूरा होने के बाद कलर वगैरह सब मारने के बाद अंदर नहीं आने देता. क्यों नहीं देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आने देता. जितने भी हाईली टैलेंटेड सेवन कास्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, या हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन में भी हों, तो भी उनकी यही दास्तां है. ഇവിടെ ദളിതെന്നും പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഒരു പാർട്ടി പോലെ രൂപീകരിച്ച് അവളിവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ ടൗൺ യൂണിറ്റില് അവരാളിനെ നിർത്തി, ഒരു 8 കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പാർട്ടിയിൽ ആളിനെ നിർത്തി അവർ ജയിക്കുമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഇവള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് ഇവൾക്ക് 1200 വോട്ട് കിട്ടി. അവർ 40 വോട്ടിനങ്ങ് തോറ്റു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കല്ലെറിയുന്നത്. എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, എന്റെ വീട് തകർത്തു, എന്റെ ഈ വീടിന്റെ കഥകെല്ലാം പോയി. പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ വെച്ചത് ഐക്കാട്ടി എന്ന് 10 വീടുകൾ അവരെറിഞ്ഞ് തകർത്ത് തരിപ്പണമായി പറഞ്ഞു. നാഗപ്പാടി പട്ടന്തറ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാസറ്റ് കട. അതിനാദ്യമേ അവരൊരു പ്രാവശ്യം തീ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമതും ആ കടയ്ക്ക് തീ വെച്ചു. ഇപ്പൊ കട നശിച്ചു കിടക്കുക. കണ്ടാ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തല്ലു കിട്ടി. ഇതൊരു ജാതി പ്രശ്നമാണ്. ഈ കറുത്ത ജാതിക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും മുഖാമം നോക്കി സംസാരിക്കുക, അവരെ ഒത്തുചേരുക ചെയ്യരുത്, അവനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. സ്കൂൾ ലെവൽ പര ജ്ഞാന इतने मैच्योर नहीं होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं. क्योंकि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और हमारी सोच बढ़ती है, समझ आती है, तब हमें एहसास होता है कि केवल हम इस वजह से परेशान हैं और इस वजह से हमारे अंदर जो है हम लोगों को भिन्न समझा जा रहा है केवल कास्ट बेसिस की वजह से. அப்படி போட்டு போனா என்ன? போட்டு போக கூடாது. அங்கிட்டுலாம் போடலாம், அவங்க வீட்டு போடலாம், நான் அங்கே போடக்கூடாது. ஊருக்கு அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாதிக்கு ஒரு சாதி கேட்டாருப்பா. தூக்கி கொலீஸ்வர घर की बात हम अपना परिचय दे दें आपको. मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है. मैं स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूं और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूं. और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूं. उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं. छुट्टी होता है तो आप क्या है? नहीं, वो होना चाहिए, परंपरा बता रहा है. उस परंपरा को नहीं फॉलो करती तो किस तरह की विपत्ति आएगी समाज? विपत्ति अभी आप दिखाई नहीं रहते, गुजरा कांड में 1,00,000 लोग हुआ. अरे गोधरा में तो वो उसमें अरे किसके लिए हुआ? धर्म के लिए तो हुआ ना. ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல 6வதுல இருந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆயிரும். அப்ப 10th போறதுக்குள்ள வந்து ஹெட் மாஸ்டர் விட மாட்டாரு. காரணம் என்னங்கன்னா நீங்க படிப்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வெளியே தள்ளுறாரு. அப்ப உங்க அம்மா கெஞ்சிராவும் என்ன கூட்டு போறாங்க, தம்பி என் மயனை உள்ள விட மாட்டாங்க. ஆனா ஹெட் மாஸ்டர் கேக்குறேன், என்ன சார் பையங்க மேல என்ன சார் எது சார் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கானு?
સોને જાતે બધા પાય પાય ને નહીં હું નો કરી દઉં એટલે બીજી બેન થાય શું જાવ જ નહીં મન લાગે જરે એટલે શું કરે છે હું એકલો રહી જાય એવું થાય એટલે શરમ થાય એટલે જવાય જ નહીં हम लोग आगे बैठते हैं तो पीछे कर देते हैं सर और तुम लोग हम लोग आगे बैठा दें यस सर क्या कह रहे हैं ये तो सर इसे तो गलत बतला रहे हैं हम भाई क्लास में क्लास बैठाते हैं सर नहीं सर सब लड़का को पीछे बिठाता है और कहता है कि गलत बोल रहा है ऐसा है सर कि सबको पीछे बैठाते शर्मा पजे लगी है हमें पर ठेठ छेटे हाँ मंदिर में जवाई नहीं है मारे अंदर जाए तो अमर मर्यादा टूटी है कारण शू के बखड़ो कोई ये लोग को चीड़ाए पटेल झाड़ावाड़ी है गाम में थोड़ा चीड़ाए आप मर्यादा राखी चम कही मोटा लोग ना अपना हल्की वही आप ना जाए मर्यादा हो तो हार ये लोग ने अभर छेट लगे एट्ले अमारे जवाय नहीं प्रसादी ये दो अलग अलग जगह की अलग अलग जगह की थी ना। क्यों ये जात पात का सवाल कर दे तू मजबी सिंह या तू आओ तू आओ आप मजबी हैं दरवाजा दो क्यों है चार दरवाजा क्यों क्यों ये पहले से बाबे ने बने आते पहले भी यहाँ जगह ही पहले चार दरवाजे बाद में चार दरवाजे कुछ लोग यहाँ से आते हैं कुछ लोग वहाँ से आते हैं ऐसे की है ना वो तो सर मजबी आपने मजबी सेंगे मजबी सेंगे इधर के आपने जिम्मेदार जाट है जब हम राम सिंह हैं तो राम सिंह हैं जब हमने अमृत शक लिया तो हम सिख हैं हम मजबी सिख नहीं हैं रामदासिया सिख नहीं है वाल्मीकि सिख नहीं है रामगढ़िया सिख नहीं है शिम्बा सिख नहीं है हम सिख हैं और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना मगर जोर देते हैं जैसे हिंदू धर्म में किया गया था ना उसकी जाति जे भी साथ में जाति बोलते हैं हम सिख हैं अपने गुरुद्वारे में बैठे हैं हम बोलते हैं हम सिख അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇത് പ്രശ്നം സാൻകുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ് എന്നാ പ്രശ്നം പണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷനിൽ ഈ പുലയർക്കും പകർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സവർണര അവര് ജാത്തൻ മാടൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് Ideologically speaking, the church says, and of course the doctrine and the teachings and the scripture, everything says that there is no caste, because everybody is equal. But in practice, people were converted to Christianity from different castes. When they got see this in the more visible forms in the worship places, like separate places in the church or even separate churches for low caste and high caste idu yaarkundana church engal sc avu mel sadiya avulume apdi da naanga yela kudumba adanalam engala inga vara maatanga idu naanga varuvom naanga konumna thaniya ukandikkom அவங்களுக்கு வந்து பிளட் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு எங்களுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கு இல்லீகல் தலித் டயர் தலித் வெரி டென்ஸ் தலித் அண்ட் தேர்ஃபோர் பை பர்த் யூ ஆர் செக்ரிகேட்டட் இன் யுவர் லைஃப் யூ ஆர் செக்ரிகேட்டட் தேர்ஃபோர் யூ ஆர் பெரிட் செப்பரேட்லி தேர் இஸ் பாக்கியுள்ள கம்யூனிட்டி பரிபூர்ணமாயும் கிறிஸ்டியானிகளில் நின்று விட்டு நிற்கிறது എന്റെ പേര് സണ്ണി എന്നാണല്ലോ ഞാൻ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അപ്പോ
ഞാൻ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല അവർ കാണുന്നത്, എന്നെ പുലയനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. എന്നാണ് പുലയ ക്രിസ്ത്യാനി പറയുക, ക്രിസ്ത്യാനി പുലയപ്പള്ളി കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ മാന്നാനത്ത് ഉള്ള പള്ളി പുലയപ്പള്ളിയാണ്, അവിടുത്തെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പുലയരാണ്. സ്വർണ്ണനാഥ ഇല്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമയായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, അമ്മയപ്പോ കൂടെയുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമകളായിരുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷമുള്ള കൃത്യമാണ്. വീടിനകത്തൊന്നും അകപ്പെട്ട ഒരു ഇതുണ്ട്, ശരിയെന്നുണ്ട്. ആ അവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനേകം വായിക്കുകയും എനിക്കത് ഒതുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെയും പിന്നെ വീണ്ടും ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി ഒരു നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഫീലിങ്സാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ എല്ലാ ഇതും തന്നെ ബുദ്ധമതം, അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി, കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഇത് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഖുറാനാണ്. होते नहीं है, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे. मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हललखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है. उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग एक दर्जन की जाति का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है. हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमांदा मुसलमान के टोटल समझिए पसमांदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान, ये टोपी की तरह से पसमांदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं. टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे. हिंदू भी अपने साथ रखें तो ये कौन कौन लीडर है और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं. बिहार में गए जो अनवारुल हक वो शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जन्मे के थे सैयद हैं, फिर आरिफ मोहम्मद खान गए खान हैं, फिर नजमा अब्दुल्ला गए वो सैयद हैं. दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं. एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और संप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग. अब दूसरे जात में करेंगे तो अपने ही पटीदार सब हंसी उड़ाएंगे, इसको लड़का मिला नहीं, इसको लड़की मिला नहीं. यही होता है. कल्चर खत्म होने से फिर क्या बात, देश ही ठीक नहीं. कल्चर ही मुख्य चीज है देश का. अमेरिका कल्चर अमेरिका, इंडियन कल्चर इंडियन, गल्फ कल्चर गल्फ.